कैंप पंक पे फाइट रहे, सॉरी कैंप पंक पे टीम सोल के साथ फाइट रहे, गेम दिखाते हैं टीम सोलर टीम फाइव एम बहुत ही करीब है, सोल के शायद एक बंदा डाउन होता है, तीन बंदा मिलकर इस मैच में खेले, क्लच कॉट रेगा डॉस वाइपर मॉर पर इसको मॉर पर खत्म कर दिया गया, सोल वाइपर से लाके फाइव एम तो बाइक रन करते फाइव एम रमन बट डाउन सोल क्लच कॉट मॉटल क्लच कॉट वाइपर रेगा डॉस तीन बंदे मिलकर है सामने दो बंदे फाइव एम का वैंडी एंड आई एम एस वी डाउन तैयार है गाइस यप सोल वाइपर सामने की तरफ देख पा रहे क्लोज इन करते फाइव एम का वैंडी एंड आई एम सैम्प के ऊपर वैम्प एसबी के ऊपर फाइव एम का वाइपर राइट से फ्लैंक करते हुए लेफ्ट से तरफ से क्लच गॉट एंड रेगल टॉस दोनों बंदे सामने की तरफ सोल वाइपर फिलहाल फाइव एम का वैंडी के ऊपर पुश इन करते हुए हम लोग देख पा रहे सोल क्लच गॉट फिलहाल फाइव एम का वैंडी दोनों बंदे डाउन हो चुके हैं टीम 5M को इधर पूरा क्लच आउट कर दिया है टीम सोल ने उसका बस एक कैजुअल्टी हो चुका है सोल के मॉर्टल को डाउन कर दिया गया लेकिन सोल के क्रैक गोल्टोस क्लच गॉट एंड वाइपर लेकिन बहुत ही एग्रेसिवली एंड बहुत ही काम ने सिचुएशन को हैंडल किया लोग आईजील खत्म होने के बाद आईजील शायद रिकॉर्ड होता फिलहाल फिर भी मॉर्टल खत्म होने के बाद मॉर्टल के बाद जो एक्सपीरियंस है मॉर्टल नॉक होने के बाद देखना पड़ेगा कौन सी टीम कैसे क्लच करता है सोल का टीम अभी भी तीन बंदे जोन के सेंटर पे होल्ड कर रहे हैं एक ही माफिया भी उनका भी स्क्वाड है राइट देना पड़ेगा इधर राइट के तरफ देख पा रहे थ्री लोग इधर आगे तरफ जा रहे हैं सोनिक ऑल्सो गेट्स डाउन अक्षय लेक की तरफ वो रिवाइव दे रहा है जिक्सा को रिवाइव देने के बाद बहुत ही जल्दी उसको जोन के अंदर जाना पड़ेगा मे बी जिक्सा इधर फिर से डाउन अक्षय भी डाउन दूर से टीम सोल की तरफ से बहुत ही बढ़िया स्प्रे टीम सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं सात किल्स टीम सोल ने इस मैच में निकाल लिया है ऑलरेडी और शायद दो किल्स निकाल लेंगे जोन से रिवेंज अक्षय खत्म हुआ जोन से सोल वाइपर ने शॉक का कंफर्म किया पैरास नोबडी इज बेस्ड ऑन द जोन के जोन से पैरास नोबडी डाउन किया टीम सोल इज बैक इन एक्शन गाइस ऊपर रिवेंज के दो बंदे रहे सोल क्लच गॉट ने रिवेंज को सोनी का कंफर्म किया रियल भी अनुराग इधर फुल पावर के जूम बूम को डाउन किया इक्की माफिया के साथ फाइट हो रहा है गाइस फिलहाल चलिए देखते एक बार इक्की माफिया बहुत ही करीब जोन फिर से सोल के ऊपर बन गया तो क्या लगता है गाइस क्या सोल इस मैच में चिकन डिनर ले सकता है गाइस चैट में स्पैम करो आप लोग क्या लगता है क्या सोल इस मैच में चिकन डिनर ले सकता है या फिर कोई और टीम लेगा अगर लगता है कोई और टीम उसका नाम गाइस चैट में बताओ गाइस जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया गाइस लाइक कर दो चैनल को BRDM दोनों BRDM लीग है टीम एक ही माफिया जोन के सामने आ चुका है इधर शायद सेटन को हम लोग देख पा रहे हैं सेटन के साथ क्लच कॉट एंड वाइपर फिलहाल लेट पर वाइपर को शायद स्पॉट कर लेंगे वाइपर के ऊपर एक ग्रेनेड आ सकता है एंड मे बी दिस इज द एंड ऑफ वाइपर इन दिस मैच वाइपर को ग्रेनेड आया लेकिन नॉक नहीं हुआ एंड एक ग्रेनेड सेटन के ऊपर था दूसरा ग्रेनेड आया सेटन इधर नॉक हो चुका है सोल की वाइपर के ग्रेनेड से बहुत ही बढ़िया तरीके से सो आई एम के नहीं होने के लिए एक बार वो कवर पे जीरो फैन सेटन दोनों बंदे डाउन है क्लच गॉड इधर से थोड़ा फ्री फायर देते हुए ऑन नियो नाइक हम लोग देख पा रहे वाइपर रेगल्टॉस एंड क्लच गॉड तीनों बंदे सामने की तरफ सही टर्न को कंफर्म एंड नियो नाइक भी नॉक हो चुके हैं रेगल्टॉस की तरफ से बहुत ही बढ़िया खेल रहे बहुत ही बढ़िया रोटेट होकर रखे लेकिन रेगल्टॉस एक एंगल पकड़ रहे हैं वाइपर एक एंगल क्लच गॉड एक एंगल तो बहुत ही बढ़िया तरीके से टीम सोल के पास बहुत ज्यादा किल्स है ज़ेरेफेंस पावर को आना पड़ेगा सामने की तरफ पावर के ऊपर चलते हैं पावर शायद किसी को नॉक करने की कोशिश पावर शायद किसी को आयर वाइपर को नॉक करेंगे तो वाइपर इधर नॉक हो चुके हैं पावर ने फाइनली एक कुछ जवाब दिया कि माफिया के एंड क्लच गॉट मे बी कैन गेट नॉक लेकिन क्लच गॉट बच चुका है 58 पे उसके पास जोन के एच पे 10 मीटर से जोन के अंदर जाना पड़ेगा 22 सेकंड्स है टीम के माफिया के पावर को लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा सामने फुल पावर फोर टीम्स अराइव गाइस इज इट इट्स इक्की माफिया इट्स VLB टीम सोल एंड टीम फुल पावर कैसे लगता है गाइस कौन सा टीम अब जीतेगा चैट में अपना फेवरेट टीम जिसको लगता है आपका वो वाला टीम जीतेगा गाइस चैट में स्पैम करते रहो अपना फेवरेट टीम प्लीज कोई हेट मत फैलाओ लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाना तो एकदम भी मत भूलना गाइस एंड VLB डॉन फॉर द विन को नॉक कर सकते डॉन फॉर द विन नॉक हो चुका है फुल क्लच गॉट VLB अनुराग को नॉक किया कंफर्म तो मिल जाएगा किस क्लच गॉट इधर नॉक हो सकते डॉन डैमेज लेकर पावर लेट चुके हैं VLB का डैब लोग की तरफ से सोल के रेगल्टॉस इधर नॉक बहुत ही बढ़िया खेल रहे टीम की माफिया के पावर इधर दूर से शायद टीम सोल क्लच कॉर्ड इधर रेगल्टॉस कंफर्म हो जेरेफ एंड टीम सोल गेट्स एलिमिनेटेड जेरेफ नहीं जाके इक्की माफिया इज नाउ बैक इन फॉर्म टीम VLB के डाइव लॉक खेला बंदा दूर से टीम फुल पावर जूम मूवमेंट पोरो दोनों बंदे दोनों से फिर से खतरनाक हो सकते हैं VLB डायलॉग दोनों फाइट के बीच में थर्ड पार्टी कर सकते हैं इक्की माफिया के पावर को डाउन किया VLB डायलॉग जोन के इसमें थर्ड पार्टी कर सकते हैं टीम फुल पावर मे बी इस मैच में चिकन डिनर वर्क फुल पावर या फिर VLB डायलॉग देखना पड़ेगा फुल पावर के पोरो आ चुका है इट्स पोरो एंड जूम बूम वर्सेस डायलॉग
इज इट VLB और इज इट फुल पावर? गाइस बताओ गाइस, चैट पर स्पैम करते रहो, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया गाइस, 14.6K का वाचिंग यार है, कैन वी गेट टू गाइस 8K लाइक्स एंड 8K सब्सक्राइब्स? गाइस जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, कम ऑन, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, 7.41K सब्सक्राइबर्स हो चुका है, 6.6K लाइक्स हो गए, कम ऑन गाइस, लेट्स गेट टू 8K लाइक्स एंड 8K सब्स बाय द एंड ऑफ दिस मैच। आप लोग पता है मुझे, आप लोग कर सकते हो, कर दो यार, कम ऑन। एंड योर टीम VLB, सामने की तरफ टीम फुल पावर एंड जूम बूम एंड पोरो, रियल फुल पावर पोरो आ चुका है सामने की तरफ, अगर पोरो अकेला पुश करेगा तो इधर डैमेज आ रहा है, फुल पावर पोरो को नॉक कर सकते हैं, डैमेज आ रहा है, 50 HP पोरो के पास है, जूम बूम एंड पोरो ये दोनों एक साथ, दोनों साइड से अगर पुशिंग करके डायब्लो को बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्शन, अरे जूम बूम नॉक कर सकते हैं, फुल पावर पोरो की तरफ, एंड ये थोड़ा गलत को जंप करना चाहते थे एंड वो जंप थोड़ा ऊपर ऊपर उठ गया, इसी के साथ टीम फुल पावर गेज द चिकन डिनर गाइस, जीजी फुल पावर इन द चैट, 5 किल के साथ इधर फुल पावर के पास चिकन डिनर मिल गया, सेकंड बी टीम VLB विद 3 किल्स, थर्ड बी टीम इक्की माफिया विद 5 किल्स एंड फोर्थ पे है टीम सोल। गाइस बहुत ही सेफ नहीं खेले इस मैच में वो लोग, लास्ट की तरह बहुत ही अग्रेसिव खेले, एक अच्छा जोन मिल गया था तो वो लोग जोन के अंदर होल्ड करके बहुत ही बढ़िया खेले, इधर 10 किल्स के साथ टीम सोल फोर्थ रैंक पे, फिफ्थ पे टीम रिवेंज ई स्पोर्ट्स विद